हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोरिजा स्टडी डॉट नाइन पे। आज का जो अपना मैथ का टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इससे पहले हम लोगों ने मैथ में तीन चैप्टर किए हैं दोस्तों। एक किया है समय और कार्य, एक किया है औसत, एक किया है समय दूरी वेचान। यह दोस्तों अपना मैथमेटिक्स के अंदर चौथा चैप्टर है। इन सभी चैप्टर के हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी जो सो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं दोस्तों। इससे पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अनुपात और समानुपात की दोस्तों मैं आप लोगों को दो जरूरी बातें बता देता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें इस चैप्टर के अंदर कि सबसे पहले तो जो अनुपात होता है अपना, अनुपात को पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट करते हैं। दोस्तों, और जो अनुपात होता है अपना, अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा या किसी भी सेम संख्या से भाग करवा दिया जाए तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये दो बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर के अंदर, एक बार नोट कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए इन दो बातों को। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनुपात और समानुपात का। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर वन और स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है उसमें। यदि ए अनुपात बी 3:5 तथा बी अनुपात सी 4:7 हो तो अपना ए बी सी का अनुपात क्या होगा। एक बार सोल्यूशन को देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो निकालना है वो एक साइड लिख लीजिए दोस्तों, ए बी सी अनुपात हम लोगों को निकालना है दोस्तों। तो इसमें ए अनुपात बी की वैल्यू जो अपने पास दी हुई है दोस्तों, वो दी हुई है 3:5। यहां से अपने को इक्वेशन नंबर वन के अंदर सी की वैल्यू को निकालना है दोस्तों। इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर बी अनुपात सी वो दिया हुआ है अपने पास 4:7। तो दोस्तों इस इक्वेशन में अपने को ए की वैल्यू निकालनी है, ए का अनुपात निकालना है इक्वेशन नंबर दो के अंदर। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के अंदर अनुपात और समानुपात में अगर ऐसा क्वेश्चन आए सी का जो अनुपात नहीं दिया हुआ हो, तो जो सी के राइट या लेफ्ट साइड की जो वैल्यू दी हुई होती है वो वहां पर लिख दी जाती है दोस्तों। ये एक प्रकार की इस चैप्टर के अंदर शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। तो यहां से दोस्तों सी की वैल्यू नहीं दी हुई है या इसके इस साइड में बी की वैल्यू 5 दी हुई है तो यहां पर 5 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार यहां ए की वैल्यू नहीं दी हुई है तो बी की वैल्यू 4 दी हुई है दोस्तों, तो यहां पर बी की वैल्यू ए की वैल्यू अपने पास 4 आ जाएगी दोस्तों। तो यहां से इनको मल्टीप्लाई करवा दीजिए दोस्तों, जो अपना है वो अनुपात आ जाएगा। यहां से मल्टीप्लाई करवाने के बाद दोस्तों यहां 12:20:35 आ गया दोस्तों। अब ये अपनी ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आ गई दोस्तों, यहाँ से 12:20:35 अपना आंसर आ गया दोस्तों। तो आइए दोस्तों दोबारा देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। यदि ए अनुपात बी 3:5 तथा बी अनुपात सी 4:7 हो तो ए बी सी का अपना अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो ए बी सी अनुपात अपने को निकालना है वो लिख लीजिए। तो दोस्तों जो ए अनुपात बी की वैल्यू दी हुई है उसको इक्वेशन नंबर एक मान लीजिए, बी अनुपात सी है उसको इक्वेशन नंबर दो मान लीजिए दोस्तों। तो ए बी सी अपना अनुपात जो हम लोगों को निकालना है, तो दोस्तों इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों। यहां पर इक्वेशन नंबर वन की वैल्यू पुट करी तो 3:5 दोस्तों, तो यहां इस इक्वेशन में हम लोगों को सी की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन नंबर दो की वैल्यू और पुट कर दीजिए दोस्तों। बी अनुपात सी 4:7 दिया हुआ है वो वैल्यू रख दीजिए दोस्तों। तो यहां पर इक्वेशन नंबर एक के अंदर सी की वैल्यू अपने पास नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर दोस्तों जो वैल्यू नहीं दी हुई है या तो उसके राइट साइड की वैल्यू या उसके लेफ्ट साइड की वैल्यू दी हुई मिले तो जो वहां पर राइट या लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो रख दीजिए। तो यहां पर अपने पास बी की वैल्यू दी हुई है तो यहां पर सी की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर दो में ए की वैल्यू की जगह बी की वैल्यू रखने पर यहां पर 4 आ जाएगा दोस्तों। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दीजिए दोस्तों, अपना आंसर आ जाएगा। यहां से मल्टीप्लाई करवाया तो दोस्तों 12 आ गया अनुपात 20:7
35 अनुपात आ गया दोस्तों। तो अपना ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात दोस्तों, 12 अनुपात, 20 अनुपात, 35 अनुपात अपना आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें दिया हुआ है दोस्तों, यदि ए अनुपात बी इज इक्वल टू 1:2, बी अनुपात सी इज इक्वल टू 3:4, सी अनुपात डी इज इक्वल टू 6:9 तथा डी अनुपात ई इज इक्वल टू 12:16 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई इज इक्वल टू होगा। हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई की वैल्यू बतानी है दोस्तों। तो ये इक्वेशन मान लीजिए पूरी एक अपने पास इक्वेशन हो गई, इसको अलग लिख लीजिए दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे पार्ट को इक्वेशन मान लीजिए, समीकरण मान लीजिए दोस्तों। यहाँ से एक नंबर इक्वेशन हो गई, यहाँ से दो नंबर हो गई, यहाँ से तीन नंबर इक्वेशन हो गई दोस्तों, यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 हो गई दोस्तों। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दी हुई है वो रख लीजिए इस इक्वेशन के अंदर। ए अनुपात बी की वैल्यू दी हुई है दोस्तों 1:2, बी अनुपात सी की वैल्यू दी हुई है 3:4 दोस्तों, सी अनुपात डी की वैल्यू दी हुई है 6:9 दोस्तों, और डी अनुपात ई की वैल्यू दी हुई है 12:16 दोस्तों। तो दोस्तों मैंने बताया है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर सामने वाली वैल्यू नहीं दी हुई मिले, तो जो उसके वैल्यू नहीं दी हुई मिले तो जो उसके साइड वाली वैल्यू राइट साइड या लेफ्ट साइड में जो वैल्यू दी हुई होती है तो उस खाली स्थान में वो वैल्यू रख दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर सी डी ई की वैल्यू अपने पास नहीं है दोस्तों, तो बी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है दोस्तों, तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो रख दीजिए दोस्तों। ऐसे ही अगली क्वेश्चन में यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू रख दीजिए दोस्तों। यहाँ पर डी ई की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू दी हुई है, तो दोनों की जगह सी की वैल्यू रख दीजिए दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पर डी की वैल्यू रख दीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर दोस्तों यहां से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दीजिए, अपना जो क्वेश्चन का अनुपात है वो अनुपात आ जाएगा दोस्तों। यहां से देख लीजिए मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, 3×3 3 और 6 की गुणा करवाते हैं तो 18 हो गया, 18 और 12 की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दोस्तों यहां से 216 आ गया। ऐसे ही दोस्तों यहां से देख लीजिए 3 और 2 की गुणा करवाते हैं 6 आ गया, 6 और 6 की गुणा करवाते हैं 36 आ गया, 36 और 12 की गुणा करवाते हैं दोस्तों तो यहां से 432 आ गया दोस्तों अपना। यहां से यहां देख लीजिए 4 और 2 की गुणा करवाते हैं तो 4×2 8 और 8 और 6 की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 48 आ गया दोस्तों। 48 और 12 की जब गुणा करवाते हैं दोस्तों तो अपना यहां पर 576 आ गया दोस्तों। ऐसे ही यहां पर 9 और 4 की गुणा करवाते हैं तो 36 आ गया, 36 और 2 की गुणा करवाते हैं तो 72 आ गया, 72 और 12 की गुणा करवाते हैं दोस्तों तो 864 आ गया दोस्तों। ऐसे ही यहां पर 9 और 4 की गुणा करवाते हैं तो 9×36 36×2 72 आ गया, 72 और 16 की गुणा करवाते हैं दोस्तों तो अपना 1152। तो ये अपना दोस्तों आंसर आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए दोबारा। यदि ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी 3:4, सी अनुपात डी 6:9 तथा डी अनुपात ई 12:16 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई की वैल्यू हम लोगों को बतानी है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर दोस्तों जो आंसर हम लोगों को निकालना है, जो स्टेटमेंट दी हुई है स्टेटमेंट के अंदर से जो वैल्यू हम लोगों को निकालनी है वो पूरी की पूरी वैल्यू एक साइड लिख लीजिए जैसे ये लिखा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के अंदर ज्यादा वैल्यू दी हुई मिले तो एक अपने मन के लिए जो हम लोगों को आसान तरीका लगे समझने का, समझ में आ जाए इक्वेशन मान लीजिए दोस्तों। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 हो गया दोस्तों। तो यहां से दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, और ऐसी की ऐसी सेम वैल्यू अपने क्वेश्चन में दी हुई है दोस्तों। तो पूरी की पूरी वैल्यू जो वैल्यू दी हुई है वो वहां पर रख दीजिए दोस्तों। तो यहां पर ए अनुपात बी की वैल्यू 1:2 दी हुई है दोस्तों, बी अनुपात सी की वैल्यू 3:4 है दोस्तों, 3:4 है, सी अनुपात डी की वैल्यू 6:9 है, डी अनुपात ई की वैल्यू 12:16 है,
तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैंने पहले भी बताया और एक बार फिर बता रहा हूं दोस्तों कि जो वैल्यू नहीं दी हुई हो और उसके साइड वाली वैल्यू जो राइट या लेफ्ट साइड में वैल्यू दे रखी हो तो वो राइट या लेफ्ट साइड वाली वैल्यू खाली स्थान के अंदर रख दीजिए दोस्तों। तो यहां पर ये वैल्यू रख दी, यहां पर ये रख दिया और यहां पर ये रख दिया दोस्तों। तो यहां से दोस्तों इसकी गुणा करवाते हैं तो पूरी की गुणा करवाने के बाद यहां पर 216 आ गया दोस्तों, यहां पर पूरी गुणा करवाने के बाद 432 आ गया दोस्तों, यहां पर पूरी को गुणा करवाया 576 आ गया, यहां पर 864 और यहां पर पूरी गुणा करवाने के बाद 1152 आ गया दोस्तों। एक बार अगर ऑप्शन में छोटा ऑप्शन दिया हुआ मिले, अगर ये ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा हो तो ऑप्शन के अंदर अपने को जो एग्जाम के अंदर है वो छोटा दिया हुआ मिलेगा कि जैसे ये अनुपात हो गया 16:12:10:8 हो गया। तो दोस्तों ऐसे अनुपात को सॉर्ट करके ऐसे हम लोग तो ऐसे कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा आंसर दिया हुआ मिलता है दोस्तों। तो यहां पर ये कहीं भी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ये अपना राइट आंसर है। अगर ऑप्शन के अंदर ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा होता, अगर ऑप्शन के अंदर छोटा इससे छोटी टर्म में आंसर मिलता दोस्तों, तो एक बार सभी को भाग करके देख लीजिए, अगर भाग करने पर संख्या अपनी छोटी हो रही हो तो अपना आंसर छोटा होगा। तो यहां पर इसमें से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ये अपना यहां पर राइट आंसर है। आइए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। इसमें दिया हुआ है यदि ए का 60% इज इक्वल टू बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी हम लोगों को बताना है। तो सॉल्यूशन देख लीजिए दोस्तों, ऐसे सवाल के अंदर अगर का लिखा हुआ मिले तो का मतलब दोस्तों गुणा होता है, गुणा करवाना होता है, कुछ नहीं करना है। सबसे आसान तरीका है, शॉर्ट तरीका है दोस्तों, सीधा लिख लीजिए a का 60% इज इक्वल टू b का 3/4। तो यहां पर परसेंट को हटाते हैं दोस्तों तो 100 भाग में हो जाता है। यहां से दोस्तों b यहां पर मल्टीप्लाई में है, इस साइड पर आने के बाद में भाग में हो जाएगा, इस साइड बच गया अपना 3/4। तो दोस्तों यहां से ए बटे बी इज इक्वल टू 3/4, यहां पर ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाने पर डिवाइड में हो जाएगा दोस्तों, तो 100/60 हो जाएगा दोस्तों। यहां से कैंसिल करने के बाद हम पाते हैं ए बटे बी इज इक्वल टू 5/4। यहां से दोस्तों अपने पास ए अनुपात बी इज इक्वल टू 5/4 अपना आंसर आ गया दोस्तों। एक बार दोबारा देख लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि ए का 60% इज इक्वल टू बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी हम लोगों को बताना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो दोस्तों का मतलब एक छोटी टर्म होती थी दोस्तों छोटी क्लासों में, को का भागु जो, इसी टर्म से ये का उठाकर कंपिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चनों के अंदर दिया हुआ है दोस्तों। तो ए का जो 60% होगा, ए गुणा 60% इज इक्वल टू बी का 3/4 दोस्तों। ए गुणा 60% को हटाते हैं तो भाग में 100 जाता है, इज इक्वल टू बी का 3/4। यहां से ये बी यहां गुणा में दोस्तों, यहां आने के बाद भाग में हो जाएगा, गुणा में 60/100 इज इक्वल टू 3/4। ए बटे बी इज इक्वल टू 3/4 यहां गुणा में था दोस्तों, उस साइड जाने के बाद भाग में हो जाएगा, टर्म उल्टी हो जाएगी दोस्तों, 100/60 आ जाएगा दोस्तों। यहां से कैंसिल करने के बाद हम पाते हैं 0 से 0 गया दोस्तों, 2 से काटा यहां पर 5 आ गया, यहां 3 आ गया दोस्तों, 3 से 3 गया 5/4, ए बटे बी इज इक्वल टू 5/4 आ गया दोस्तों। तो अपना ए अनुपात बी होगा दोस्तों वो 5/4 होगा दोस्तों, ये अपना राइट आंसर है दोस्तों। आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में। यदि ए इज इक्वल टू बी का 4/5 तथा बी इज इक्वल टू सी का 5/4 हो तो ए अनुपात सी हम लोगों को ज्ञात करना है दोस्तों। तो सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन का। ए इज इक्वल टू बी का 4/5, का मतलब दोस्तों गुणा होता है, तथा B इज इक्वल टू सी का 5/4 हो तो A अनुपात C हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यहां से ये यहां गुणा में है,
इस साइड आके दोस्तों यहाँ बाघ में हो जाएगा 4/5। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी B/C इज इक्वल टू 5/4। यहाँ से दोस्तों अपने पास A अनुपात B आ गया 4/5, B अनुपात C आ गया दोस्तों 5/4। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग मेथड दोस्तों। तो पहला मेथड देख लीजिए दोस्तों, जो सबसे पहले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने A अनुपात B अनुपात C। तो दोस्तों A अनुपात B दिया हुआ है 4/5, B अनुपात C दिया हुआ है दोस्तों 5/4। बताया है कि जहां पर जो वैल्यू नहीं दी हुई हो उसके राइट या लेफ्ट साइड वाली वैल्यू दी हुई हो तो वो वहां पर रख दीजिए दोस्तों। यहां से आ गया अपने पास 20, यहां से आ गया 25, यहां से फिर आ गया दोस्तों 20। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, शॉर्ट टर्म हो जाएगी 5 × 20, 5 × 25, 5 × 20। तो यहां से दोस्तों हम लोगों को बतानी है A अनुपात C की वैल्यू। तो A की वैल्यू अपने पास दोस्तों वो हो गई 4 और C की वैल्यू हो गई वो भी हो गई 4। तो यहां से इसको कैंसिल करते हैं तो 1/1 दोस्तों अपना आंसर आ गया, ये इसकी शॉर्ट टर्म हो गई। दूसरा मेथड देख लीजिए दोस्तों, A अनुपात C हम लोगों को बताना है दोस्तों। तो A अनुपात B इंटू B अनुपात C, ये अपनी जो अगला मेथड हो गया वो हो गया दोस्तों। इसको अगर कैंसिल करना नहीं है एक बार देख लीजिए, यहां से बी कैंसिल करेंगे तो A/C आ जाएगा अपना, और वो का वो अपना आंसर निकालना है। तो यहां से दोस्तों A/B की वैल्यू दी हुई है, A अनुपात B की वैल्यू दी हुई है 4/5 या 4/5 गुणा में B/C की वैल्यू दी हुई है 5/4 दोस्तों। तो यहां से A/C की वैल्यू निकालनी है या A/C निकालना है दोस्तों। तो यहां से देख लीजिए पूरा का पूरा कैंसिल हो गया तो 1/1 आ गया, A/C की वैल्यू 1/1 अपना आंसर आ गया। तो दोस्तों एक बार फिर देख लीजिए इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। यदि A इज इक्वल टू B का 4/5 तथा B इज इक्वल टू C का 5/4 हो तो A अनुपात C हम लोगों को ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहां से देख लीजिए दोस्तों A इज इक्वल टू B का 4/5 है दोस्तों, तो गुणा 4/5 हो जाएगा। ऐसे यहां पर B इज इक्वल टू C का 5/4 है तो गुणा में 5/4 हो जाएगा दोस्तों। तो यहां से A/B की वैल्यू अपने पास आ गई 4/5, यहां से आ गई B/C की वैल्यू आ गई 5/4 दोस्तों। तो यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात B अपने पास आ गया 4/5, B अनुपात C आ गया 5/4 दोस्तों। तो यहां पर ये दो तरीके हैं दोस्तों, देख लीजिए। ऐसा तरीका पहले क्वेश्चन में किया है दोस्तों हम लोगों ने, ये थोड़ा अटके इससे अलग है थोड़ा। अगर ऐसे क्वेश्चन से आंसर ना निकले दोस्तों तो ऐसे क्वेश्चन से उसका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। तो यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों अनुपात अपने पास तीनों की वैल्यू है दोस्तों। तो यहां से रख लीजिए ए अनुपात बी की वैल्यू 4/5 यहां पर रख लीजिए दोस्तों। यहां से फिर बी अनुपात सी की वैल्यू रख लीजिए दोस्तों। तो यहां पर ये वैल्यू हम लोगों के पास नहीं है दोस्तों, तो मैंने इसे पहले क्वेश्चन में बताया है, जो वैल्यू जहां पर नहीं दी हुई मिले तो उसके राइट या लेफ्ट साइड वाली वैल्यू दी हुई मिले तो वो वैल्यू उठाकर वहां पर पुट कर दीजिए दोस्तों। तो यहां से ये वैल्यू रख दी तो इसको गुणा करवाते हैं तो हम लोग पाते हैं 20/25/20। तो यहां से इसको शॉर्ट टर्म में लेते हैं तो 4/5/4 हो गया दोस्तों। तो यहां से हम लोगों को A अनुपात C की वैल्यू निकालनी है, तो A अनुपात C की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर A की वैल्यू 4 दी हुई है दोस्तों, यहां पर C की वैल्यू भी 4 दी हुई है दोस्तों। इसको कैंसिल करते हैं तो 1/1 अपना आंसर आ गया। इसी प्रकार अगला जो मेथड है वहां देख लीजिए, A अनुपात C है, हमें निकालनी A अनुपात C की वैल्यू है दोस्तों। तो जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A/B गुणा B/C, यहां से अगर मान लीजिए कैंसिल नहीं करना है, बी से भी कैंसिल हो गया तो A/C अपना आंसर होगा। यही वैल्यू हम लोगों को निकालनी है दोस्तों। तो यहां से A/B की वैल्यू हम लोगों के पास 4/5 है दोस्तों, और B/C की वैल्यू 5/4 है। तो वैल्यू रखने के बाद कैंसिल करने के बाद हम पाते हैं यहां से 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया दोस्तों, 1/1 आ गया। यहां से A/C की वैल्यू 1/1 आ गई दोस्तों। तो दोनों इक्वेशनों से जो अपना आंसर है सेम आया है दोस्तों, कोई जो वो अलग नहीं है, तो अपना ये राइट आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है पिंकू रिंकू और टिंकू आपस में 4200 रुपए की राशि क्रमशः 7/8/6 में बांटते हैं। इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपए जोड़े जाएं तो उनकी राशि के नए हिस्सों का अनुपात क्रम से क्या होगा। तो दोस्तों रिंकू पिंकू और टिंकू आपस में 4200 की राशि, तो जो टोटल अमाउंट अपने पास हो गई, टोटल
रासी वो हो गई 4200। इनके अनुपात जो राशि का अनुपात है वो अनुपात है 7:8:6। इसमें दिया हुआ है पिंकू, पिंकू को पी से डिनोट कर लीजिए दोस्तों, रिंकू को आर से डिनोट कर लीजिए दोस्तों, और जो टिंकू है टी से डिनोट कर लीजिए दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन में जो इनका जो अनुपात दिया हुआ है पूरे अनुपात को ऐड कर लीजिए दोस्तों, तो वो इन पूरे अनुपात का राशि के अनुपात के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से पूरे सभी को ऐड करते हैं तो यहाँ से दोस्तों अपना 21 आ गया, जो पूरी पूरी राशि होगी दोस्तों वो यहाँ से अपनी होगी 4200। तो यहाँ से पी की वैल्यू 7 है, पी का जो अनुपात है वो 7 है, आर का अनुपात 8 है, टी का अनुपात अपने पास 6 है। तो यहाँ से पिंकू की जो अपनी राशि निकालनी है अपने को, पी की जो राशि निकालनी है, तो दोस्तों राशि निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट बटे में जो टोटल जिनका रेशो दिया हुआ है, टोटल रेशो दिया हुआ है उनका सम इनटू में जिसकी निकालनी है अपने को, पिको की निकालनी है, पिको की अपने पास रेशो दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए दोस्तों, 3 आ गया, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो 1400 आ गया दोस्तों। इसी प्रकार पिको अपने को रिंकू की निकालनी है दोस्तों, आर से निकाल लिया, टोटल अमाउंट अपने पास वो हो गई दोस्तों 4200 हो गई, ठीक है। और इसके बटे में जो इनका टोटल रेशियो का जो टोटल बनता है पूरा सम टोटल, तो वो हो गया 21 दोस्तों। निकालना है रिंकू का, रिंकू का जो अनुपात दिया हुआ है दोस्तों वो अपने पास 8 दिया हुआ है, यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए दोस्तों, 21 + 21 = 42 200 हो गया, यहाँ से अपने पास आ गया 1600 दोस्तों। तो इसी प्रकार अपने को टिंकू का निकालना है दोस्तों, टिंकू का निकालने के लिए दोस्तों टोटल अमाउंट अपने पास है 4200, इनका रेशियोज का सम हो गया अपने पास 21, टिंकू की जो खुद का रेशियो हो गया वो हो गया 6 हो गया, यहाँ से कैंसिल करते हैं तो 3 × 6 = 3 = 21 + 7 = 42 600, यहाँ से 1200 हो गया दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन है 7:8:6 में बांटते हैं, यहाँ तक अपना जो ये यहाँ तक अपना आ गया दोस्तों। अब निकालना है यहाँ से इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपये जोड़े जाए, तो प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपये जोड़े जाए, अगर पिक्कू के हिस्से में 200 रुपये जोड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ से पिक्कू के हिस्से में 1600 हो गए दोस्तों, अगर रिंकू के हिस्से में 200 जोड़ते हैं तो रिंकू के हिस्से में 200 जोड़ते हैं तो 1800 हो गए दोस्तों, और टिंकू के हिस्से में 200 जोड़ते हैं तो ये 1400 हो गए दोस्तों। तो यहाँ से नया अनुपात जो होगा वो होगा पी अनुपात आर अनुपात टी, पिकू की जो नई वैल्यू आई है दोस्तों वो आई है अपने पास 1600 आई है दोस्तों, और जो रिंकू की नई वैल्यू आई है वो अपने पास आई है दोस्तों 1800, और जो टिंकू की जो अपने पास वैल्यू आई है वो अपने पास आई है 1400। तो यहां से इसको कैंसिल करते हैं शॉर्ट टर्म बनाने के लिए दोस्तों, तो यहां से दोस्तों 8:9:7 जो उनकी राशि के हिस्सों का नया अनुपात होगा वो दोस्तों 8:9:7 होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है पिंकू रिंकू और टिंकू आपस में 4200 रुपए की राशि क्रम से 7:8:6 में बांटते हैं दोस्तों, इनमें से अगर इस राशि के बाद में इनके हिस्से में 200 रुपए और जोड़े जाए तो उनकी राशि के नए हिस्सों का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें लिख लीजिए टोटल अमाउंट अपने पास या टोटल राशि है पूरी जो अपने पास जितना भी टोटल अमाउंट पैसा है वो 4200 अपने पास, पिंकू को पी से डिनोट कर लीजिए, रिंकू को आर से डिनोट कर लीजिए, टिंकू को टी से डिनोट कर लीजिए दोस्तों। तो इनका जो अनुपात है वो 7:8:6 है दोस्तों, और इनके पूरे का जो पी प्लस आर प्लस टी इनका जो अनुपात का जो सम हो गया दोस्तों वो हो गया यहाँ से 21। तो दोस्तों जो पिक्कू पी की जो उनकी राशि उनका अब अपने को ये निकालना है कि अकेले बंदे के हिस्से में कितनी राशि आएगी, तो अकेले बंदे के हिस्से में जितनी राशि आएगी को निकालने के लिए हम लोगों को करना है टोटल अमाउंट बटे में जो रेशियो जो दिया हुआ है उनका सम इंटू में जो जिसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, अगर पिंकू की निकालनी है तो पिंकू का जो रेशो अपने पास दिया हुआ है वो 7 मल्टीप्लाई में जो पिंकू का रेशो दिया हुआ है वो 7 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से कैंसिल करने के बाद हम पाते हैं दोस्तों अपना 1400 आ गया पिंकू का, और रिंकू का दोस्तों यहाँ से 4200 टोटल अमाउंट हो गई, उनका जो रेशो का सम हो गया 21 हो गया, यहाँ से जो रिंकू की वैल्यू हो गई रिंकू का जो रेशो हो गया वो 8 हो गया दोस्तों। कैंसिल करने के बाद हम पाते हैं यहाँ से अपना 1600 आ गया दोस्तों, और जो टिंकू का निकालना है तो यहाँ से दोस्तों टोटल अमाउंट बटे में उनका रेशो का सम इनटू में जो टिंकू की वैल्यू अपने पास रेशो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 दोस्तों, यहाँ से कैंसिल करने के बाद हम पाते हैं 1200 आ गया दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपए जोड़े जाए, तो प्रत्येक के हिस्से में 200 जोड़े जाए तो पिक्कू के खाते में 4200 में से 1400 रुपए आए हैं दोस्तों, अगर इसके हिस्से में 200 रुपए और जोड़े जाए तो यहां से ये 1600 हो गया दोस्तों, और यहां से रिंकू के हिस्से में 200 और जोड़े जाए दोस्तों तो ये 1800 हो गए दोस्तों, और टिंकू के हिस्से में
200 जोड़े जाएं दोस्तों, तो यहां से ये 1400 हो गए दोस्तों। अपने को रेशो निकालना है पिंकू रिंकू और टिंकू का, पिंकू रिंकू और टिंकू का रेशो निकालना है दोस्तों। नई राशि के हिस्सों का अनुपात क्या होगा, तो नई राशि बन गई दोस्तों अपने पास 1600 अनुपात 1800 अनुपात 1400। इसको कैंसिल कर दीजिए, शॉर्ट टर्म में अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 20 से 20 कैंसिल कर लीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 8 16, 2 9 18, 2 7 14, तो जो नई राशि के हिस्सों का अनुपात होगा दोस्तों वो होगा 8:9:7 अपना आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों ये था अपना आज का टॉपिक, आज के लिए इतना ही रखते हैं अनुपात और समानुपात में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।